नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं आज हरियाणा प्रदेश के जिला गुरुग्राम की ओर, जहां नमाज़े जुमा को लेकर दो समुदाय आमने सामने हैं। 8 नवंबर को आज दोपहर 12:30 बजे डीसी कार्यालय में गुरुग्राम में मुस्लिम समुदाय के गैर राजनीतिक नागरिकों ने सामूहिक तौर पर लगभग 50 से अधिक नागरिकों ने जिला उपायुक्त गुरुग्राम डॉक्टर यश गर्ग से मुलाकात की और शहर के हालात पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल के सदस्य अल्ताफ अहमद, मुफ्ती सलीम बनारसी, आमिर आबिदी, मौलाना साबिर काजमी ने गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में गुरुग्राम शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन और पुलिस के सराहनीय काम की प्रशंसा की और जुमे की नमाज के मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने में उनके द्वारा प्रयासों की सराहना करते हुए डीसी को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सहानुभूतिपूर्ण और विवेकपूर्ण रुख के लिए उनकी खुलकर सराहना भी की। गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल ने प्रशासन को इस मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीके से और संविधान की भावना से हल करने में उनके निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दशकों से सभी धर्मों के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सहस्राब्दी शहर गुरुग्राम के निर्माण के लिए शांतिपूर्वक काम किया है और एक साथ रहे हैं। उन्होंने बड़े समुदाय के निष्पक्षता और मानवता में गहरा विश्वास व्यक्त किया और सभी धर्मों के लोगों से शांति और सद्भाव को मजबूत करने के लिए कुछ उपद्रवियों के नापाक मंसूबों का विरोध करने की भी अपील की, जिन्होंने झूठ का जाल बिछाया है और नफरत को भड़काया है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न धर्मों के नागरिकों के राय मशवरा से गुरुग्राम प्रशासन द्वारा मई 2018 में चयनित सभी 37 स्थलों पर जुमे की नमाज को सुरक्षा प्रदान करने की अपील की गई, जबकि पर्याप्त प्रार्थना सुविधाएं प्रदान करने के मुस्तकिल दीर्घकालिक समाधान मुसलमानों ने इस तरफ काम करना सोचना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल ने तुरंत और दीर्घकालिक दोनों तरह की गतिविधियों को सूचीबद्ध करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक रोडमैप का सुझाव पेश किया। मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदा समन्वय ग्रुप गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल ने प्रशासन से इस विषय पर भविष्य के किसी भी विचार विमर्श का हिस्सा बनाने का भी अनुरोध किया, क्योंकि वे गुरुग्राम मुस्लिम समुदाय के सभी विविध उपसमूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैठक में डीसी और जिला प्रशासन को धन्यवाद और पूर्ण समर्थन के आश्वासन के साथ समाप्त हुआ। इसके अलावा गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल के मुख्य पूर्व राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने डीसी गुरुग्राम यश गर्ग से सवाल किया कि जब नमाज की जगह पर भजन कीर्तन के नाम पर दिल्ली दंगों के आइकॉन कपिल मिश्रा समेत अन्य शरारत पसंद और शहर में गुंडागर्दी मचाने वाला ग्रुप सेक्टर 12 गुरुग्राम पहुंचकर यहां के माहौल खराब करने की कोशिश करता है और लोगों को खुले तौर पर दंगा करने के लिए उकसाता है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है ताकि शहर को पूरी तरीके से गलत माहौल पैदा होने से बचाया जा सके। फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे गुरुग्राम से जुड़ी ताजा अपडेट। हरियाणा मेवात से संवाददाता अर्शद बिसरो की विशेष रिपोर्ट। मिलेनियम सिटी के नाम से जानी जाती है, उस मिलेनियम सिटी में ऐसे भड़काऊ भाषण देना, इस तरीके से माहौल खराब करना, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि क्यों माहौल इस शहर का, मिलेनियम सिटी का खराब किया जा रहा है। सर, कंप्लेंट राइटिंग में दी है? हमने जो पिटीशन दी है उसके अंदर कुछ मुद्दे रखे हैं, उसमें काफ़ी तफसील से, काफ़ी डिटेल में हमने अपने मुद्दे रखे हैं, जिसमें कि हमने लैंड भी मांगा है, हमने वक्फ बोर्ड की जगह भी खाली करने के लिए बोला है, कुछ मस्जिदें जो बंद करा दी गई हैं गलत तरीके से उनको भी खोला जाए, और जब तक ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है तो जो 37 जगह हैं उन पे नमाज चलती रहे उस पे भी हमने जोर डाला है। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।